अब हम क्या करेंगे, कार्ट पर काम करेंगे। फिलहाल हमने इसके लिए सिर्फ एक नेविगेशन मेन्यू बना के रखा है और उसमें हम सारे के सारे कार्ट आइटम्स जो है शो कराने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन भी बनाया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हैंडल करेंगे कॉन्टेक्स्ट की मदद से। यानी कि कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट क्रिएट करेंगे और जैसे इस पर क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, ग्लोबली उसको मैनेज करेंगे और यहाँ पर उसकी वैल्यूज को शो कराएंगे। और इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इस कार्ट पेज पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे आइटम्स को जो है शो कराएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए जो है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर के अंदर सर्च कॉन्टेक्स्ट है अपने पास, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले एक न्यू फाइल बना देंगे, न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ कार्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च वाले को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ रिनेम कर देंगे सर्च के बदले, आपको क्या करना है इसको कार्ट कर देना है, कार्ट। और इसको कॉपी करके नीचे इंपोर्ट भी कर देंगे। देखिए यहाँ पर सर्च कॉन्टेक्स्ट के बदले कार्ट कॉन्टेक्स्ट, यूज सर्च के बदले यूज कार्ट, और इसको नीचे एक्सपोर्ट भी कर देंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर सर्च कॉन्टेक्स्ट है ना, तो अभी हमारे पास है कार्ट कॉन्टेक्स्ट, इसका हम यूज करेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे। और वैल्यू को भी हम चेंज कर देंगे, ये जो कीवर्ड्स हैं और रिजल्ट है ना इसको भी हमको चेंज करना है, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ जो है कार्ड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको टोटली एम्प्टी कर देंगे, ऑब्जेक्ट की इसमें जरूरत नहीं रहेगी अपने पास। हम क्या करेंगे, एरे बना देंगे, एरे की एक स्टेट, और इसका नाम रख देंगे कार्ड, सेट कार्ड। और यहाँ पर आपको जो है दोनों को पास करा देना है, इसमें कार्ड सेट कार्ड, और यहाँ पर सर्च प्रोवाइडर के बदले कार्ड प्रोवाइडर कर देंगे इसको, कार्ड प्रोवाइडर, कॉपी, यहाँ पर कार्ड प्रोवाइडर, सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट तैयार है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐप डॉट जे एस में इम्पोर्ट कर देंगे। ऐप डॉट जे एस में नहीं, इसको हम इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल में जो है इम्पोर्ट कर देंगे। टॉप पे आप क्या करें, यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर दें, इम्पोर्ट कार्ड प्रोवाइडर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश कार्ड। और हम क्या करेंगे, इसको जो है ना रैप कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्राउजर राउटर से पहले इसको हम क्या करेंगे, कार्ड प्रोवाइडर से जो है रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको आप जो है कट करके कार्ड प्रोवाइडर के अंदर पेस्ट कर लें, सेव। अब ये कार्ड कॉन्टेक्ट जो है एनेबल हो चुका है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अब इसको हम ग्लोबली कहीं पर भी कोई भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हमने कहाँ पर यूज किया था, हेडर सेक्शन है ना, और ये कार्ड के पेज को भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ पहले। पेजेस, पेजेस के अंदर हमारे पास है और कार्ड का पेज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कार्ड का एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ कार्ड डॉट जेएस, और सेम नाम हो जाएगा इसीलिए मैं इसको कार्ड पेज कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट का नाम हमने सिर्फ कार्ड रखा है ना, तो इससे थोड़ा सा नेमिंग कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने उसका नाम कार्ड पेज रखा है। इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, आर ए एफ सी ई, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ कंटेनर की क्लास के साथ, और इस डिव को कट करके लेआउट से इसको रैप कर लेंगे। मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करें। और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कंटेनर के अंदर एक और जो हमें रो की क्लास ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं सिर्फ एक H1 ले लेता हूँ, योर कार्ड कर देंगे। बाद में इसको डायनेमिकली हम चेंज करेंगे, सेव। तो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐप डॉट जे एस में इसका एक राउट क्रिएट कर लेंगे। तो कैटेगरीज के नीचे इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद में आप क्या करें, कैटेगरीज को कट करके यहाँ पर कार्ड पर इसको रिडायरेक्ट करें, और पेज के अंदर आपको जो है कार्ड पेज कंपोनेंट को यहाँ पर शो कराना है। मेक श्योर इसको इम्पोर्ट करें, सेव। चेक कर लेते एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेज जो है अपडेट हो चुका है, स्लैश कार्ड पे अब हमको ये कंपोनेंट मिल जाएगा, और एक्टिव की क्लास भी इस पे अप्लाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, होम पेज में जो है ना इस ऐड टू कार्ड बटन पर जो है काम करेंगे। तो चलते हैं होम पेज में, और इसमें जो बटन है उसके ऑन क्लिक इवेंट पे काम करेंगे। ये रहा ऐड टू कार्ड, इसके ऑन क्लिक पे हमको क्या करना है, एक फंक्शन को जो है एग्जीक्यूट करना है ऑन क्लिक। इसमें हम क्या करेंगे, कार्ड का यूज करेंगे और ऊपर स्टेट हमने बनाई हुई है ना, और अभी जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना इसको इम्पोर्ट कर देंगे पहले। तो टॉप पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ, इम्पोर्ट यूज कार्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश कार्ड। उसके बाद में इसका एक स्टेट बना देंगे, और यहाँ पे कॉन्स्ट, इसमें से हम कार्ड को गेट कर लेंगे। और फिर सेटर फंक्शन भी था, सेट कार्ड इक्वल टू यूज कार्ड, और इसमें हम क्या करेंगे, सेट करेंगे कार्ड को। तो ऑन क्लिक पे हमको क्या करना है, कार्ड को सेट करना है। तो नीचे चलते हैं, ये रहा ऑन क्लिक, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो फंक्शन कॉल कर लेंगे और इसको मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सेट करना है कार्ड को। तो यहाँ पे सेट कार्ड, अब कार्ड के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो जो भी वैल्यूज आ रही है, जैसे पी से हम गेट कर रहे हैं ना, हमने मैप किया था यहाँ पे पी डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सब स्ट्रिंग, यानी ये रहा प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हमने मैप किया था और पी की मदद से हम उसको डिस्प्ले करा रहे थे। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस करेंगे और पास करा देंगे। तो यहाँ पे ये एरे है, इसीलिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड कर देंगे सबसे पहले कार्ड को, यानी जो भी वैल्यू है कार्ड के अंदर उसको एज इट इज रखो,
और इसके बाद में क्या करो, पी में जो भी डेटा है ना वो इसमें ऐड कर दो, और इसको मल्टीलाइन कर देंगे हम। और टोस्ट नोटिफिकेशन भी आप इसमें सेंड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुआ है, और यहाँ पे टोस्ट का यूज कर देंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसमें मैसेज ऐड कर देंगे आइटम एडिट टू कार्ट। और टोस्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर इम्पोर्ट कर देंगे टोस्ट को भी, इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा बटन भी रेडी है, और आई थिंक ये काम करना चाहिए, इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। तो टेस्ट से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है यूज करना पड़ेगा हेडर के अंदर, क्योंकि हमारे पास हेडर में मेन्यू है ना। तो मैं क्या करता हूँ, हेडर फाइल ओपन करता हूँ और कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर देता हूँ पहले, इम्पोर्ट यूज कार्ड, और इसका वेरिएबल बना देंगे, जैसे हम ऑथ इसमें गेट किए थे ना वैसे हम क्या करेंगे, कार्ड को भी गेट करेंगे। कॉन्स्ट कार्ड इसमें सेट नहीं करना कुछ भी, सिर्फ हमको गेट करना है, इसीलिए कार्ड को ही हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं फ्रॉम यूज कार्ड हो। और जो कार्ड का हमारे पास मेन्यू था उसमें हम जो है डिस्प्ले करा सकते हैं इसकी लेंथ को, लास्ट में था देखिए कार्ड जीरो, तो इसमें हम क्या करेंगे इसको कट कर देंगे, और कर्ली ब्रेसिस में हम क्या करेंगे इसको गेट करेंगे। सो कार्ड है अपने पास, तब क्या करो यहाँ पर उसकी लेंथ जो है शो करो, सेव, क्लिक कर लेते हैं उसको एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर। इनिशियली जो है जीरो रहेगा, अब मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो देखिए वन आइटम एडिट टू कार्ट, और यहाँ पर एक आइटम अपने पास ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर इस पर डबल भी क्लिक करूंगा तो देखिए बराबर से कार्ट में आइटम्स जो है ऐड हो रहे हैं, और अगर गलती से पेज रिफ्रेश हो जाए तो बूम सब कुछ यहाँ से चला जाएगा। तो इसको भी प्रिवेंट करना है, यानी परसिस्ट करेंगे हम इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को गेट करेंगे और उसको कार्ड के पेज में जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, और यहाँ पर जो है डायरेक्ट 01 के बदले हम क्या कर सकते हैं, एंड डिजाइन का यूज कर सकते हैं। तो एंड डिजाइन में जाना है, और इसमें कुछ रिबन इफेक्ट आपको मिलता है, अच्छा इफेक्ट दिखता है उससे भी, यानी बैच की शक्ल में आपको मिलता है। मैं एक बार बता देता हूँ, रिबन आपको सर्च करना है तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, देखिए बैच तो थोड़ा सा ये स्लो चलता है, और इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको देखने मिल जाते हैं। हमको कुछ नोटिफिकेशन की तरह चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से कार्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से स्टैंड अलोन भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम इसके साथ में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं एक बार, जावास्क्रिप्ट इसमें है, देखिए बैच को इम्पोर्ट करना है, इसके बाद में क्या है, अवतार तो नहीं चाहिए अपने को, डायरेक्टली आपको काउंट करके इसको बता देना पड़ता है, और शो जीरो भी है। चलो ट्राई कर लेते हैं इसको, बैच को जो है आपको इम्पोर्ट करना है एंड डिजाइन में से, तो यहीं पे हम क्या करेंगे हेडर पार्ट में जो है इम्पोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डी, और इसमें से हमको चाहिए बैच, और जो मेन्यू है अपना उसको हम रैप कर देंगे बैच से। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, देखिए ये रहा बैच, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और काउंट में हम क्या करेंगे इसको जो है ना ऐड कर देंगे, नैब लिंक के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, या फिर इसके अंदर जो है नैब लिंक को ऐड कर देंगे, नैब लिंक को यहाँ से कट कर दें, अवतार नहीं चाहिए तो अवतार को आप जो है रिमूव कर लें, पेस्ट नैब लिंक, और ये जो काउंट है इसको डायनेमिक करना है, पहले रिजल्ट देख लेंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो देखिए कुछ इस तरीके से जीरो आ रहा है, तो ठीक ठाक लग रहा है। आप इसकी पोजीशन भी जो है चेंज कर सकते हैं, और ये जीरो को रिमूव कर लेता हूँ मैं, लेंथ अब हम शो नहीं कराएंगे, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर लिया, सेव, चेक करते हैं एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो इससे यूजर को पता भी चलेगा कितने आइटम जो है उसके कार्ट में, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे कि वॉच को ऐड करता हूँ, तो देखिए आइटम एडिड टू कार्ट, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू रखा है। अभी इसको डायनेमिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कार्ट, अगर कार्ट मिलता है तो उसकी लेंथ यहाँ पर शो कर दो, सेव। अब देखिए यहाँ पर वन शो कर रहा है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले, तो जीरो हो जाएगा वापस से। अब मैं आइटम जो है ऐड करता हूँ, 1 2 3, सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास वैल्यू शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, जैसे कार्ट पर क्लिक करो ना तो यहाँ पर नोटिफिकेशन चाहिए, अब तो इसमें हमको लॉगिन यूजर भी चेक करना है क्योंकि हमको चेकआउट भी करना है, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले कराना है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी करने को। चलिए वापस चलते हैं इस पेज में, कार्ट पेज में हम क्या करेंगे इस H1 के बदले यहाँ पर इसको डायनेमिकली भी हम अब जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर देंगे यूज कार्ड को, जो हमने हुक बनाया था उसको इम्पोर्ट कर देंगे, और यहाँ से गेट भी कर लेंगे इसको। सो कॉन्स्ट कार्ड सेट कार्ड इक्वल टू यूज कार्ड, यहाँ पर हमने इसको गेट कर लिया। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को जो है ऐड कर सकते हैं, और ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, यानी यूजर लॉग इन है या नहीं उसको भी चेक कर लेंगे, अगर नहीं है तो उसको पहले लॉग इन के पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि चेकआउट से पहले जरूरी है। तो यहाँ पे मैं यूज ऑथ को भी जो है इम्पोर्ट कर देता हूँ, और उसका वेरिएबल भी हम बना देंगे। सो यहाँ पे आप क्या करें उसको भी डिस्ट्रक्चर कर लें, कॉन्स्ट ऑथ सेट ऑथ फ्रॉम यूज ऑथ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नेविगेशन को भी जो है इम्पोर्ट करके रखता हूँ, अगर लॉग इन नहीं है ना उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, तो इम्पोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इसका भी एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू
यूज नेविगेट, और इसकी मदद से हम इसको रिडायरेक्ट करा सकते हैं। और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास ले लेता हूँ मैं, कॉल MD12 ले लेंगे इसके अंदर, एक रो इसकी हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हमको क्या करना है, मैसेज जो है शो कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है एक H1 ले लेता हूँ, H1 विथ क्लास नेम ऑफ टेक्स्ट सेंटर। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, BG इसको जो है ना लाइट कर लेंगे, और पैडिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ 3 की, या फिर 2 कर देते हैं, ठीक है 3 ज़्यादा हो जाएगा। और इस H1 में हमको डायनेमिकली जो है चेक कराना है कि कार्ट में आइटम है या नहीं, तो हम मैसेज शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन यूजर चेक कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकटिक का यूज कर लेंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और इसके बाद में लॉगिन यूजर है या नहीं उसको हम चेक कर लेंगे। तो ऑथ को चेक करेंगे हम, ऑथ अगर हमको मिलता है तो उसके अंदर अपने पास है टोकन, अगर ये कंडीशन सही है तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो है नेम को जो है गेट कर लेंगे। सो ऑथ फिर से चेक करेंगे, अगर ऑथ है उसके अंदर यूजर है और उसका नेम हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो यूजर भी हम चेक करेंगे कंडीशनली। सेव कर लेते हैं एक बार, अभी हम लॉग इन है ना, तो यहाँ पर नेम शो होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हेलो एडमिन, ये बराबर से शो कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कितने आइटम्स कार्ट में अवेलेबल है वो भी शो करा सकते हैं। तो इस H1 के बाद में मैं क्या करता हूँ, H4 ऐड कर देता हूँ, H4 इसको भी क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। और इसको ऊपर वाले को जो है ना मार्जिन भी दे देता हूँ मैं बॉटम से, MB1 कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको ज्यादा स्पेस मिलेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, H4 में हम क्या करेंगे, कंडीशनली जो है मैसेज भी शो करा देंगे। तो बैकटिक कर्ली ब्रेसिस, कार्ट चेक करेंगे हम, अगर हमारे को कार्ट मिलता है और उसके अंदर लेंथ है तो यहाँ पे लेंथ को आपको एक्सेस करना है, अगर ग्रेटर देन 1 है तब क्या करो। और फिर एल्स की कंडीशन भी ऐड कर देता हूँ मैं साथ ही में आपको जो है डबल पैरेंथिसिस, क्योंकि हमको इसमें रिटर्न कराना है। तो ये कंडीशन हमारी बन चुकी है, ठीक है। और रिटर्न के बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बैकटिक का यूज कर लेता हूँ, अगर हमको लेंथ मिलती है तब क्या करो, यहाँ पर मैसेज शो कर दो यू हैव, जो भी कार्ट की लेंथ है वो हम यहाँ पर शो करा देंगे, कार्ट डॉट लेंथ जितने भी मतलब आइटम्स है इसके अंदर वो यहाँ पर शो करा दो, आइटम्स इन योर कार्ट। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और कंडीशन चेक कर लेता हूँ, अगर वो लॉग इन यूजर नहीं रहा तो तब भी हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कंडीशन को कट कर लेता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन हम ऐड कर देंगे, यानी एक और बार हम क्रॉस चेक कर रहे हैं इसमें। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे पहले, ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक और कंडीशन यानी डॉलर कर्ली ब्रेसिस, और बैकटिक में ही रखना है इसको, तो बैकटिक के अंदर ही सारी कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑथ चेक कर लेंगे, अगर हमको ऑथ मिलता है और उसके अंदर टोकन मिलता है तब क्या करो, एक और कंडीशन हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अगर नहीं मिलता है तो एम्प्टी कर देंगे, ज्यादा कुछ इसमें पास कराने की जरूरत नहीं है। और एल्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना लॉग इन के लिए इसको बोल देंगे, तो यहाँ पे आप एक मैसेज ऐड कर दें, प्लीज लॉग इन टू चेकआउट, और ये कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में हमको क्या करना है, जो हमारी मेन जो एल्स कंडीशन है ना उसको यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ पर हम लास्ट में मैसेज शो कर देंगे योर कार्ड इज एम्प्टी, सेव कर लेते हैं इसको। तो चलिए आउटपुट एक बार देख लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और टोकन आ रहा है इस पे, योर कार्ट आइटम, ओके देखिए 3 आइटम से बराबर शो कर रहा है, और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर ये जो रहेगा ना इसको हम जो है लास्ट में रखेंगे, मेक श्योर इसको करेक्ट कर लें, इतनी बड़ी कंडीशन रहेंगी ये, तो ये अलग से जो है सेपरेट टर्नरी कंडीशन रहेंगी। सेव, आई थिंक इस बार ये काम करेगा, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से शो कर रहा है, यू हैव 3 आइटम्स इन योर कार्ट। मैं यहाँ से जो है लॉग आउट हो जाता हूँ, और हम क्या करेंगे जो है कार्ट पेज पे जाएंगे, तो देखिए यू हैव 3 आइटम्स इन योर कार्ट, प्लीज लॉग इन टू चेकआउट, बराबर से ये मैसेज शो कर रहा है। और ये जो हेलो है वो सेंटर में नहीं हुआ, तो चेक कर लेते हैं क्यों, टेक्स्ट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको कर ले आप टेक्स्ट सेंटर, सेव, चेक करते हैं तो अब बराबर से ही आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब मैं फिर से लॉग इन हो जाता हूँ एडमिन क्रेडेंशियल से, admin@admin.com, 1 2 3 4 5 6 लॉग इन, और चलते हैं कार्ट पेज में, तो देखिए बराबर से यहाँ पर आ रहा है, यू हैव 3 आइटम्स इन योर कार्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, कार्ट को जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको डिस्प्ले करानी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहीं पर साइड में जो है ना चेकआउट का बटन भी दे देंगे, और उसके अंदर हमारे पास पेमेंट गेटवे भी रहेगा, और भी जो चीज़ें आपको इंटीग्रेट करना है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इस डिव के बाद में ये जो रो है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और रो ले लेंगे रो, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 कॉलम ले लेंगे, कॉल MD इसको कर देंगे 9, और इसमें क्या रहेगा हमारे पास, कार्ट आइटम रहेगा, फिलहाल एक मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, और सेकंड वाला भी ऐड कर देंगे कॉल MD 3, और इसमें हम क्या करेंगे चेकआउट बटन रख देंगे चेकआउट, और पेमेंट भी रहेगा इसमें, पेमेंट और चेकआउट यहाँ पर रहेगा, सेव, चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर हम सारे कार्ट आइटम को जो है शो कराएंगे, और राइट हैंड साइड पे जो है पेमेंट का ऑप्शन शो कर देंगे। तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे का यूज करेंगे और उसमें से जो है चेकआउट कर लेंगे। और जैसे चेकआउट होगा तो फिर हमको जो है यूजर की डिटेल को भी एक्सेस करना है और फिर एडमिन साइट पे हमको चेक भी करना है, तो ये सारी चीजें भी अभी देखना है। अब हम यहाँ पे जो है पूरे आइटम्स को जो है डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके लिए आपको चलना है वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम को जो है मैप करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है अगेन दो कॉलम में डिवाइड कर देंगे। रो रो के अंदर हम क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड कर देंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैप कर लेता हूँ। मैप क्या करना है, कार्ट आइटम है अपने पास, तो कार्ट को हम चेक करेंगे। अगर कार्ट है तब क्या करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैप करेंगे। और इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। इसके अंदर रो की एक क्लास ले लेंगे डिव, इसके अंदर कॉल MD4 कर देता हूँ मैं, और कॉपी पेस्ट कर देंगे। रेस्ट जो है 8 कॉलम बचते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में इमेज शो करा देंगे और नीचे वाले में डिटेल्स हम यहाँ पर शो कराएंगे, तो चेक भी कर लेंगे साथ में सेव। तो देखिए यहाँ पर 3 बार ये जो है कॉपी पेस्ट हो रहा है और कार्ट में हमारे पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट है, तो तीनों को अब हमको यहाँ पर वन बाय वन डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज हमने जो है होम पेज में भी यूज किया था ना, उसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा इमेज, सोर्स आपको कॉपी कर लेना है। और कार्ट पेज में हम क्या करेंगे, इस इमेज वाले में इस इमेज को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए P है, मतलब सेम प्रोडक्ट ID से आ रहा है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए सबकी इमेज आ रही है बराबर से। और इसका साइज जो है आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको जो है विड्थ दे दूंगा 100 की 100 पिक्सल, और हाइट भी हम क्या करेंगे सेम रख लेंगे इसको 100 पिक्सल। सेव, तो देखिए 100 करने पे कुछ इस तरीके से इमेज आ रहा है, क्योंकि इमेज का साइज भी वैसा है, हमने इसको जो है ना बॉक्स में रखा है। सो मेक श्योर आप जो है ट्रांसपेरेंट इमेज का यूज करें, तो फिर वो बराबर शो करेगा। और इसके बीच में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है ना मार्जिन पैडिंग ऐड कर देंगे, मार्जिन दे देता हूँ 2 की। सेव, तो नॉर्मल सा हमको जो है इसके बीच में मार्जिन भी देखने मिल जाएगा। और आप चाहे तो उसको कार्ड में भी लिख सकते हैं, कार्ड की अगर क्लास दे देंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। पहले सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कार्ड में कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और कार्ड यूज करने के बाद देखिए थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है, फ्लेक्स रो कर देंगे यहाँ पर, फ्लेक्स रो। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, अब अच्छा लग रहा है। मार्जिन में रिमूव करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मार्जिन रिमूव करेंगे तो कुछ भी यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। मार्जिन बॉटम दे देंगे, मार्जिन बॉटम ऑफ 2। सेव, और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिटेल्स को शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर H4 का यूज कर लेते हैं हम पहले, और प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, पी का यूज़ करें, P.name यानी प्रोडक्ट नेम आएगा। उसके बाद में डिटेल्स है, तो पैराग्राफ टैग में यहाँ पर ले लेता हूँ P, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे P.description। और इसको मैं क्या करता हूँ, सबस्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा, सबस्ट्रिंग 0,30, 30 कैरेक्टर तक ही हमको चाहिए। सेव, और प्राइस भी ऐड कर देंगे, तो प्राइस के लिए मैं H4 यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड भी कर देता हूँ प्राइस। और प्राइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट कर लेंगे P.price। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए बराबर से शो कर रहा है, मेटल वॉच सॉलिड, फिर इसके बाद में डिस्क्रिप्शन है, और हेडिंग आप रिमूव ही कर ले तो बेटर है। मैं इसको सिर्फ P कर देता हूँ, पैराग्राफ सबको, क्योंकि ऑलरेडी यूजर ने तो देखा हुआ है प्रोडक्ट को, तो इसमें और हमको जो है ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है। P करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब आप चाहे तो इसको डिजाइन भी कर सकते हैं, और मैं इनर मार्जिन भी दे देता हूँ, पैडिंग ऑफ 3 कर देंगे। सेव, ठीक ठाक ही लग रहा है। और पेमेंट का ये काफ़ी छोटा हो जाएगा फिर, तो इसका साइज़ हम कम कर देंगे, ठीक है, ये ज़्यादा साइज़ हो रहा है ना, इसको हम कर देंगे 8 कर देते हैं, इसको 8 या फिर 6 ही सही है। और नीचे इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 कर देंगे। सेव, चेक करते हैं अब कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, देखिए ये सारे आइटम्स रहेंगे। और फिर यहाँ पर चेकआउट, तो इसको 6 के बदले हम क्या कर लेंगे, इसको 4 ही रहने देते हैं, इसको 8 कर देंगे। सेव, अब ठीक ठाक है, इतना कोई खास भी नहीं है, लेकिन ओके ओके डिज़ाइन है। आप चाहें तो उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टोटल भी शो कराना है, और रिमूव का बटन भी हम ऐड कर देंगे। तो रिमूव पहले ऐड कर देता हूँ मैं, इसके साथ में यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ बटन, और इसके अंदर क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम BTN BTN-Danger, और यहाँ पर इसको कर देंगे रिमूव। चेक करते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर बटन आ रहा है रिमूव का, रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है रिमूव होना चाहिए, लेकिन अभी हमने इसको कहीं पर भी स्टोर नहीं कराया है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर कराना पड़ेगा कहीं पर, फिर उसके बाद में हम इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले, तो इस रिमूव के ऊपर ऑन क्लिक, और इसके अंदर एक फंक्शन बना देंगे एरो फंक्शन, और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और इस फंक्शन का नाम रख लेंगे रिमूव आइटम, या फिर कार्ट आइटम कर लेते हैं, रिमूव कार्ट आइटम। और इसके अंदर हमको जो है आईडी को पास कराना पड़ेगा कि किस बेस पे हम जो है रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है _ID, तो इस बेसिस पे आप रिमूव करिए, इसको कॉपी कर लेंगे और टॉप पे हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ डिलीट आइटम,
const remove card item equal to arrow function, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे यानी PID को, और इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ, कैच में कंसोल डॉट लॉक कर देंगे एरर को, और इसके बाद में हमको ट्राई के अंदर काम करना है। सेव कर लेता हूँ पहले, और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कार्ट को जो है एक्सेस करेंगे, ये जो कार्ट है इसको हमको एक्सेस करना है, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे लेट, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं माई कार्ट कर लेता हूँ, माई कार्ट इक्वल टू, और इसमें स्प्रेड कर देंगे जितना भी कार्ट का आइटम है उसको हम यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेट, और इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं इंडेक्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माई कार्ट का जो यूज करेंगे, इसमें क्या है हमारे सारे प्रोडक्ट्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे इसको। सो फाइंड का हमको फंक्शन मिलता है, देखिए फाइंड इंडेक्स, इस फंक्शन का हम यूज करेंगे, और इसकी मदद से क्या करेंगे, इसके अंदर हमको एक और कॉल बैक मिलता है जिसमें हम कार्ट आइटम को रिसीव करेंगे, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे इसको रिमूव करा देंगे। अब हम PID एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पास करा देंगे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये अगर इक्विवेलेंट है पी डॉट अंडरस्कोर आईडी, सॉरी पी अंडरस्कोर आईडी नहीं, डायरेक्ट PID रहेंगी, जो भी PID हमने ऑलरेडी इसको जो है फंक्शन के अंदर पास किया है नीचे, तो वो यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये इक्विवेलेंट है ना, तो हम क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, माई कार्ट का यूज करना है अगेन, और स्प्लाइस फंक्शन हम यूज कर लेंगे, इसकी मदद से हम रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है सिर्फ इंडेक्स बताना है, तो इंडेक्स को हमने ऑलरेडी वेरिएबल में असाइन करके रखा है, और उसकी पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन हम यहाँ पर उसको बता देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम सेट कर देंगे कार्ड को, सेट कार्ड, और इसमें हम क्या करेंगे माई कार्ट में जो हमने न्यूली रिमूव होने के बाद जो कार्ड को अपडेट किया है ना, उसको यहाँ पर हम बता देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो है इसको रिमूव करके देखता हूँ, तो देखिए ये रिमूव हो रहा है बराबर से, सभी को रिमूव करके देख लेते हैं, तो देखिए परफेक्टली ये रिमूव हो रहा है। वापस से ऐड करूंगा, देखिए ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, थ्री प्रोडक्ट्स इन कार्ड, वापस आएंगे तो देखिए वापस हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये वापस से चले जाएंगे, तो हमको क्या करना है इसको परसिस्ट करना है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टोर कराना है, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। रिडक्स में हमारे पास परसिस्ट का ऑप्शन मिलता है अलग से, या फिर उसमें भी हम लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं, तो ज्यादातर जो है लोकल स्टोरेज का ही यूज किया जाता है, तो हम भी क्या करेंगे लोकल स्टोरेज की मदद से जो है कार्ट आइटम को जो है लोकली ब्राउजर के अंदर सेव कराएंगे। तो हम क्या करेंगे ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन था अपना होम पेज में स्टेट के अंदर सेट करा रहे हैं, तभी हम क्या करेंगे लोकल स्टोरेज में भी इसको सेट करा देंगे। लोकल स्टोरेज सेट आइटम फंक्शन आपको यहाँ पर असाइन करना है, और फिर वेरिएबल का नाम, तो उसका नाम हम रखेंगे कार्ट, फिर हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो भी कार्ट आइटम है उसको यहाँ पर पास करा देंगे कार्ट, और फिर जो प्रोडक्ट है उसको हम पास करा देंगे, और ये स्प्रेड है तीन डॉट है, कुछ इस तरीके से ये जो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और चेक कर लेते हैं एक बार, टेस्ट कर लेंगे इसको, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, आपके पास क्रोम होगा तो फिर उसमें एप्लीकेशन में उसका ऑप्शन मिलता है, मेरे पास डायरेक्टली जो है ना स्टोरेज का ऑप्शन आता है, और उसके अंदर देखिए लोकल स्टोरेज, और यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 अभी ऑथ है सिर्फ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर चलता हूँ होम पेज पर, और यहाँ से जो है ना प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो देखिए यहाँ पर कार्ड क्रिएट हो गया, एक और करता हूँ तो इसके अंदर ही अपडेट होगा, अगर आपको देखना है तो इसको एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं, कार्ड ये एरे है इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, और लेंथ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 आ रहे टोटल। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल टाइम पे इसको पता ही नहीं है कि हमारे पास कार्ट में आइटम है, लेकिन लोकल स्टोरेज देखेंगे तो यहाँ पर स्टिल हमारे पास आइटम्स है, तो हम क्या करेंगे इसको गेट करेंगे पहले, तो इनिशियल टाइम पे हमको इसको गेट करना है, और इसके लिए हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना, कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे इसको गेट कर लेंगे, तो पहले आप यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर लें, यूज इफेक्ट, और इनिशियल टाइम पे चाहिए इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो फंक्शन, और इसके अंदर एम्प्टी डिपेंडेंसी, और इसके अंदर हमको क्या करना है कंडीशनली जो है चेक करना है, क्या चेक करेंगे हम, पहले तो एक वेरिएबल बना देंगे हम एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स इक्वल टू, और इसको गेट कर लेंगे हम लोकल स्टोरेज में से, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसमें हम कार्ट को गेट करेंगे। अब हमको क्या करना है चेक करना है कि एग्जिस्टिंग कार्ट है या नहीं, यानी ये जो वेरिएबल बनाया है वो चेक कराना है हमको, कैसे कराएंगे इफ यहाँ पे चेक करेंगे एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम, अगर ये मिलता है तब क्या करो यहाँ पर सेट कर दो कार्ट को, और यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले तो किससे करना है वो चीज़ आपको बताना है, तो हमारे पास कार्ट हमने सेट किया है ना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको पार्स कर लेंगे जेसन डॉट पार्स, पार्स किस चीज को करेंगे एग्जिस्टिंग कैटेगरी को, तो यहाँ पे आपको लिखना है एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम, सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए इनिशियल टाइम पे यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, पहले रिमूव कर लेता हूँ मैं, ठीक है यहाँ से रिमूव कर लूंगा, चलते हैं होम पेज में और लोकल डेटाबेस चेक कर लेते हैं, तो देखिए अभी भी स्टिल यहाँ पर हमारे पास कार्ट में वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर कार्ट देखेंगे तो जीरो शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं कार्ट पे जाऊंगा ना और इसको रिफ्रेश करूंगा तो वापस से हमारे पास आइटम्स आ जाएंगे, देखिए
वापस से हमारे पास आ चुके हैं। इस रिमूव पे जो है यहाँ पर सिर्फ लोकली जो है ना रिमूव हो रहा है, डेटाबेस में से नहीं हो रहा है, यानी लोकल डेटाबेस में से ये रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर भी काम कर लेंगे। इसके लिए हमने जो फंक्शन बनाया था कार्ट पेज में, रिमूव कार्ट आइटम, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ना माई कार्ट का, तो सेम चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और उसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर कार्ट का यूज कर लेंगे क्योंकि कार्ट के अंदर वैल्यू है। और फिर कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इसको अगेन स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई माई कार्ट को जो है यहाँ पर पास करा देंगे। सेव चेक कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और इसके अंदर दो तीन प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर देता हूँ। पहले होम पे चलते हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, चार पांच चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। लोकल स्टोरेज भी साथ में चेक करें आप। यहाँ पर देखिए फोर ऑब्जेक्ट है अपने पास, एरे इंडेक्स 0 से शुरू होता है और 3 है मतलब टोटल 4 आइटम अपने पास है। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे कार्ट में और मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो देखिए यहाँ से एक रिमूव हो रहा है, इसी तरीके से एक और बार करूंगा तो देखिए बराबर से रिमूव हो रहा है। पूरे रिमूव करेंगे तो देखिए हमारे पास इसकी लेंथ जो है 0 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले कराया था ना, अगर हमको कार्ट लेंथ मिलती है तब जो है हमने इसको डिस्प्ले कराया था। यहाँ पर देखिए और ये 1 हो गया ना, इसको 0 कर देंगे या फिर डायरेक्टली जो है ना ये रिमूव ही कर देंगे, कंडीशन इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, टोटल भी शो करा देंगे। तो वापस से प्रोडक्ट्स को जो है मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, दो तीन प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। लोकल स्टोरेज का काम खत्म हो गया, कार्ट में चलते हैं। तो देखिए दो प्रोडक्ट है अपने पास, यहाँ पर चेकआउट और पेमेंट है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल शो करा देंगे। तो पेमेंट, चेकआउट और टोटल भी ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, टोटल या पूरा ही रिमूव कर देते हैं, इसको कट कर देंगे पहले। और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक H4 ले लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं कार्ट समरी, और एक मैं HR टैग ले लेता हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो, और एक पैराग्राफ टैग ऐड कर देता हूँ P टैग, और इसमें पेस्ट कर देंगे टोटल चेकआउट पेमेंट, और इसके नीचे हम क्या करेंगे टोटल प्राइस को जो है ना डिस्प्ले कराएंगे। तो उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर H4 में ही कर लेते हैं इसको भी, और ऊपर वाला जो है ना H2 में कर देंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे टोटल, और अभी हमको इसको डिस्प्ले कराना है। फिलहाल सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कार्ड समरी कुछ इस तरीके से आ रहा है, टोटल चेकआउट, और हाँ इसको भी जो है ना टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे देंगे, टेक्स्ट सेंटर, तो टोटल सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से कार्ड समरी, और इसमें हमारे पास है टोटल चेकआउट और पेमेंट, ये चीज़ें हमको करना है। अब ग्रैंड टोटल हमको यहाँ पर शो करना है, तो हमको प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू फंक्शन भी बना सकते हैं। तो डिलीट के ऊपर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टोटल प्राइस का जो एक फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट टोटल प्राइस इक्वल टू एरो फंक्शन, और ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ, ट्राई एंड कैच कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। ट्राई में हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे, लेट टोटल इक्वल टू 0, इनिशियल जो है 0 रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर कार्ट में से जो है ना आइटम को चेक करेंगे, तो कार्ट अगर मिलता है तो मैप करो और उसके अंदर जो आइटम है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करो, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना टोटल को गेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आपको लिखना है टोटल, टोटल का जो वेरिएबल है ऊपर इनिशियली 0 है, इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटल को जो है प्लस कर देंगे, जो भी आइटम आ रहा है उसके अंदर जो प्राइस है उससे हमको सेट करा देना है, और ये एरो है, और साथ ही में हम क्या करा सकते हैं इसको जो है रिटर्न करा सकते हैं। सो रिटर्न, रिटर्न में हम क्या कराएंगे टोटल को जो है रिटर्न करा देंगे, टोटल सेव कर लेते हैं इसको। और आप चाहें तो इसको करेंसी के सिम्बॉल में भी ऐड कर सकते हैं, एक बार वो भी चेक कर लेंगे हम कि ये करेंसी सिम्बॉल हमको देता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टू लोकल स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको बता देंगे कि ये EN US है क्योंकि US डॉलर में हम देख रहे हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, इसके अंदर होता है स्टाइल, स्टाइल में आप इसका टाइप बता सकते हैं ये है करेंसी, और फिर उसके बाद में आप बता सकते हैं कौन सी करेंसी है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे करेंसी, और करेंसी के अंदर इसको कर देंगे हम USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, सेव कर लेते हैं इसको। और नीचे हम क्या करेंगे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, टोटल के बाद में इसको कॉल कर देंगे कार्ड, सॉरी टोटल है ना टोटल प्राइस, इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। सेव चेक कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से ये शो कर रहा है, और टोटल प्राइस कुछ ज्यादा ही हो गया इसमें। अच्छा हाँ इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो हमने जो है डमी यहाँ पर कुछ भी प्राइस ऐड कर दिया ना, इस वजह से यहाँ पर शो कर रहा है, और इसको रिमूव कर लेंगे। और टोटल आप क्या करें यहाँ पर जो जितने भी प्रोडक्ट है ना उसका प्राइस चेंज करें एक बार, मेरे पास कुछ भी इसमें ऐड किया हुआ है तो इससे थोड़ा इशू कर सकता है। यानी कि मैं क्या करता हूँ इसको 200 वाले को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका 5000 है किसका 1500, इतना प्राइस नहीं होता है। तो आप जो है इसको फिक्स कर लें, आई थिंक इतना काफ़ी अभी फिलहाल के लिए। सही से हमारे पास प्रोडक्ट टोटल भी शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे लॉग इन यूज़र को चेक कर लेंगे, और उसको शिपिंग एड्रेस पर उसको रिडायरेक्ट करेंगे, पेमेंट भी करेंगे, फिर और भी हमको फंक्शनैलिटी देखना है, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट अगर ऐड करा तो वो भी देख सकते हैं। अभी देखेंगे ना तो हमारे पास कैसा रहेगा। देखिए मान लीजिए इसके दो बार मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ये प्रोडक्ट को, अगर मैं इस टाइम पे कार्ट में जाऊंगा
तो इसके दो प्रोडक्ट्स मुझे शो करेंगे, ठीक है। तो ये भी फंक्शनैलिटी ठीक है, मगर इसको और इन्हेंस कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर प्लस माइनस का बटन दे सकते हैं और क्वांटिटी शो करा सकते हैं। तो इसको हम लास्ट में कर लेंगे क्योंकि अभी इतना इसका काम नहीं है, हमारे पास ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। हम क्या करेंगे, जल्दी से जो है ना ऑर्डर्स और फिर पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद में सारी चीज़ों को फिक्स करना भी स्टार्ट करेंगे।